हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट फोर। दोस्तों, G20 सम्मेलन में बस 3 ही दिन बाकी है और लगभग अब सभी सदस्य देश भारत आने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली बार है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतने लंबे समय के लिए किसी देश में आ रहा है, और जब वे इतने लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ आने वाली टीम को लेकर भी काफी तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली बार सबसे बड़ी टीम आएगी, जिसमें लगभग 400 से अधिक के सदस्य होंगे। और तो और, बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ 20 विमान भी लाएंगे। G20 से ठीक पहले एक साथ 20 विमान लेकर भारत में क्यों घुस रहा है अमेरिका? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने साथ 20 विमान लेकर आने की खबर तो फाइनल है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनका पूरा 30 से 40 गाड़ियों का जत्था भी आने वाला है, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा हेतु उनके साथ सीक्रेट सर्विस कमांडो भी आ रहे हैं। आखिर क्यों सीक्रेट सर्विस के कमांडो होते हैं दुनिया के सबसे खूंखार? आखिर क्यों सीक्रेट सर्विस के कमांडो के आगे FBI के एजेंट भी भरते हैं पानी? जो बाइडेन के आने से पहले दिल्ली के चप्पे चप्पे पर क्यों घुस गए हैं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कमांडो? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिक्योरिटी में शामिल सीक्रेट सर्विस के कमांडो कोई आम कमांडो नहीं, बल्कि वे FBI से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी खास एजेंसी के कमांडो की होती है, जो FBI एजेंट से भी खतरनाक होते हैं। दोस्तों, सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन हेड्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा देना है। इसके साथ ही इनकी नज़र फाइनेंशियल क्राइम पर भी रहती है। ये अमेरिका की सबसे ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्स है और हाई लेवल सिक्योरिटी, जब भी बाइडेन कहीं जाते हैं सीक्रेट सर्विस उनका खास ध्यान रखती है और उस कार्यक्रम पर इनकी खास नजर रहती है। दोस्तों, इस सीक्रेट सर्विस कमांडो का मिशन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सुरक्षा प्राप्त लोगों के स्थानों पर रक्षा करना है। इस फोर्स का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके करीब 7,000 एजेंट है। जब पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब उनकी सिक्योरिटी ने पहले से ही भारत में दौरे करने शुरू कर दिए थे और जहां जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को आना था वहां की सुरक्षा की जांच की थी। इन्हें सुरक्षा के लिए खास तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। क्या होगा अगर जो बाइडेन के हवाई जहाज पर मिसाइल हमला किया जाए? क्या होगा अगर जो बाइडेन की कार पर एक साथ कई मिसाइल हमले हो जाए? जो बाइडेन की कार छूने पर क्यों लगता है करंट? आखिर टायर पंचर हो जाने के बाद जो बाइडेन की कार का क्या हाल होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पूरी तरह से बख्तर बंद एक टैंक की तरह गाड़ी है, या फिर इसे कहिए उससे भी ज़्यादा काफ़ी मजबूत है, और इसका नाम है द बीस्ट। लोमोजिन कैटेगरी की यह कार कई खूबियों से लेस है। इस कार में बैलिस्टिक ग्लास विंडो है और अगर कोई कवच भेदने वाली गोलीबारी से तोड़ना चाहे तो भी उसका हमला बेअसर होगा। अगर कोई हमलावर द बीस्ट के बेहद करीब पहुंचने में सफल हो जाता है और दरवाजे को खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे हैंडल छूते ही जबरदस्त करंट लगेगा। दोस्तों, दरअसल कार के अंदर एक स्विच है। जैसे ही वह फ्लिप करता है, कार के खुलने पर हमलावर को गंभीर झटका लगता है। इससे बाइडेन की कार को हमले की जगह से बच निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसका इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम कार की 12 वोल्ट बैटरी पावर को 120 वोल्ट करंट में बदलता है, जिसे सीधे तांबे के तार के जरिए दरवाजे के हैंडल में सप्लाई देता है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसी भी वाहन को तब चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है जब उसके टायर पंक्चर हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार में सबसे उपयोगी सुरक्षा सुविधा रन प्लेट टायर भी दिया गया है। इस सुविधा की वजह से अगर द बीस्ट के टायर पंक्चर हो जाए तो भी कार पूरी रफ्तार से दौड़ सकती है। रन प्लेट टायर इंसर्ट का मतलब यह है कि यह कार 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 50 मील से ज़्यादा तक दूरी सुरक्षित रूप से तय कर सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रपति बाइडेन हमलावरों से आसानी से बचकर निकल सकते हैं।
द बीस्ट में पंप एक्शन शॉटगन जैसे रक्षा सहायक उपकरण भी है। शॉटगन और बिना किसी मानव सहायता के बिना विंडोज को खोले ही दुश्मनों पर फायरिंग कर सकती है। अब दोस्तों ये बात तो हुई बाइडेन की द बीस्ट कार की, जिसमें बैठकर जो बाइडेन सड़कों पर यात्रा करते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाने में तो हवाई जहाज की जरूरत पड़ती है। तो कौन सा वह महाशक्तिशाली विमान है जिसके बारे में कहा जाता है मिसाइल का हमला भी इस पर कुछ असर नहीं कर पाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन 7 सितंबर को अपने खास विमान एयरफोर्स वन में सवार होकर दिल्ली आने वाले हैं और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता है। इस विमान को मिसाइल हमले से बचाव की क्षमता से लेस किया गया है। यह बोइंग 747-200B विमान है जिसे बहुत अधिक कस्टमाइज किया गया है। इस विमान में हवा में इंजन भरने की सुविधा है, इससे विमान की रेंज असीमित सीमा तक बढ़ जाती है। यह विमान खुद एक चलता फिरता लड़ाकू विमान है क्योंकि यह जब हवा में उड़ता है तो कई घातक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस होता है। अगर दुश्मन इसका पीछा करने की कोशिश करता है तो यह जवाबी हमला करते हुए मिसाइल छोड़ता है। G20 में आए मेहमानों की रक्षा के लिए दिल्ली में घुसा राफेल कई देशों में मचा तहलका। G20 के ठीक पहले दिल्ली में वायुसेना ने मचाया भोकाल। तो वहीं दोस्तों भारत सरकार दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर काफी ज्यादा सख्तियां बरत रही है और एक एक एंगल से सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। जहां सड़कों पर और पूरी दिल्ली में 1,00,000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात है, इसके अलावा आर्मी एयरफोर्स तैनात है और दिल्ली पुलिस और NSG कमांडो और अन्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत फोर्सेज जो आती है वो कितनी तैनात है इसकी तो संख्या ही नहीं गिनी जा सकती। लेकिन जमीन पर पूरी कड़ी सुरक्षा के बाद अब भारत सरकार ने मीटिंग करी है। सुरक्षा को लेकर मंत्रालयों की इस मीटिंग में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के आकाश में किसी भी संदिग्ध गतिविधि UAV या ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल से तेजस और सुखोई 30 MKI विमान सभी स्टैंडर्ड मोड पर रहेंगे। इस मीटिंग में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने भी भाग लिया ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो। दोस्तों स्टैंड बॉय मोड पर लड़ाकू विमान रहेंगे और इसमें सबसे ज्यादा जोर 9 से 10 सितंबर को दिया गया, जहां खास तौर पर 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान भारतीय वायुसेना रखेगी। किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए और किसी भी UAV या ड्रोन गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के लिए लड़ाकू विमान स्टैंड बॉय मोड पर रहेंगे और कुछ संदिग्ध दिखने पर तुरंत हमला करेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा को देखते हुए यह तय किया गया है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में दिल्ली एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट्स को आसपास के 4 एयरपोर्ट पर मोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा इन 7 से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, UAVs, UAV ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा की गुब्बारे और छोटे उड़ने वाले हवाई प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी होगी। दोस्तों ये पहली बार है कि भारत G20 जैसे एक बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और यही मौका है जब भारत इन सभी सदस्य देशों से बातचीत कर सकता है, व्यापार भी बढ़ा सकता है और इसलिए यह सम्मेलन बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक हो इसके लिए भारत किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।